ध्यान रखने योग्य 21 जरूरी बातें महिलाएं अपना समय निकालकर जरूर सुने। होममेड ब्यूटी टिप्स। नंबर 1, त्वचा की ताजगी के लिए सप्ताह में एक बार उपटन अवश्य लगाएं। नंबर 2, आधा चम्मच शहद में 4 से 5 बूंद सिरका मिलाकर झाइयों पर लगाएं। शहद में मैग्नीशियम, कैल्शियम, बीटा कैरोस्टेटिक आदि तत्व पाए जाते हैं तथा सिरके में पाए जाने वाले तत्व चेहरे पर उत्पन्न हुए दाग धब्बों और झाइयों को साफ कर देते हैं। ये प्रयोग सप्ताह में 2 बार करें। नंबर 3, बाल गिर रहे हैं तो बालों में ब्लीच, गर्म डाई, सेटिंग आदि ना करवाएं। बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, दिन भर में कई बार कंघी करें। कंघी करने से सिर की त्वचा में रक्त संचार बढ़ता है जिससे बालों की को पौष्टिकता मिलती है, पोषकता मिलती है और बाल मजबूत होते हैं। नंबर 5, चेहरे की त्वचा को तौलिए से रगड़े नहीं बल्कि हाथों से थपथपा कर सुखाएं, यानी नेचुरली सूखने दें, किसी कपड़े से रगड़ कर ना पोंछे। नंबर 6, बालों को धोने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग करें। अधिक गर्म पानी बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 7, हमेशा चेहरे को ग्लिसरीन, दूध मलाई युक्त साबुन अथवा फेस वॉश से ही साफ करें। नंबर 8, नहाने के बाद बालों को कपड़े से जोर जोर से रगड़कर ना सुखाएं या तेज झटका ना लगाएं। मुलायम रोएदार टॉवल को हल्के हाथों से बालों पर फेर कर बालों को सुखाएं, यानी उससे हार्ड वर्क ना करें, यानी बहुत तेज ना रगड़ें, सॉफ्टली बिल्कुल नर्म नर्म आराम से सुखाएं। नंबर 9, सप्ताह में एक बार बादाम रोगन या मलाई अथवा मक्खन से मसाज करें। नंबर 10, त्वचा में खुजली होने पर ताजे नारियल और टमाटर का रस मिलाकर मालिश करें। नंबर 11, तेज धूप में खड़े होकर बालों को ना सुखाएं। तेज धूप बालों की प्राकृतिक प्रक्रिया को हानि पहुंचाती है जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल गिरने लगते हैं। बालों को स्वाभाविक रूप से सूखने दें, यानी तेज धूप आपकी बालों की शाइनिंग भी चुरा लेगी और बालों की जड़ों को भी कमजोर कर देगी जिससे आपके बाल टूटने लगेंगे और गिरने लगेंगे। नंबर 12, पके हुए पपीते के गूदे को मसल कर चेहरे पर लेप करने से चेहरे की त्वचा कोमल व आभावान हो उठती है। नंबर 13, गीले बालों में कंघी ना करें, इससे बाल अधिक गिरने लगते हैं। नंबर 14, त्वचा में किसी प्रकार का चर्म रोग होने पर अच्छी किस्म के औषधि युक्त कीटनाशक कीटाणुनाशक साबुन से स्नान कीजिए, यानी नॉर्मल कोई भी साबुन से ना करें बल्कि डिटॉल वगैरह और बहुत से ऐसे साबुन हैं जिससे आप स्नान कर सकती हैं कीटाणुनाशक। नंबर 15, हरे धनिये के पत्तों का रस 4 चम्मच लें। इसे बालों की जड़ों में हल्के हाथों से लगाएं, 1 घंटे बाद बालों को धो लें। हरे धनिये में काफी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, बी, सी आदि तत्व मिलते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देकर बालों को मजबूती प्रदान करते हैं जिससे बालों का गिरना बंद हो जाता है। नंबर 16, आधे कप गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच फिटकरी मिलाकर रुई के फाहे से चेहरे पर लगाएं। फिटकरी का ब्लीचिंग इफेक्ट त्वचा की गहराई तक सफाई करता है। इसका एस्ट्रीजेंट गुड़ रोम छिद्रों को कम करता है। फिटकरी बहुत ही काम की है। अभी जो वीडियो कल आई थी, यानी जो आ चुकी है, उसमें फिटकरी के बहुत से फायदे हमने बताए हैं, वॉच कर लीजिएगा। नंबर 17,
एड़ियों को अच्छी तरह धोकर टॉवल से सुखा लें। एक चम्मच ग्लिसरीन, एक चम्मच गुलाब जल, एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच शहद लें। इन सभी को अच्छी तरह मिलाकर एड़ियों पर लगाएं। ये उत्तम किस्म का मॉइस्चराइजर है। इससे एड़ियों की दरारें भरती हैं तथा एड़ियां मुलायम बनी रहती है। ये हर दिन ना आप ताज़ा बनाएं बल्कि एक बार बनाकर बॉटल में भर के रख लें। डेली रात को सोने से पहले अपनी एड़ियों पर लगा लें, और अगर सोने के टाइम याद नहीं रहता तो नहाने के बाद अच्छे से मसाज कर लें। सूखने पर जमीन पर चलें। नंबर 18, विटामिन ए बी सी डी आदि से भरपूर आहार का सेवन करें। नंबर 19, बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। बालों पर स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। नंबर 20, एक पाव चौलाई के पत्तों को 2 लीटर पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। इसे छानकर ठंडा कर लें। इस पानी से बालों को भली भांति साफ करें। चौलाई में काफी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी आदि तत्व पाए जाते हैं जो बालों को सही पोषण देते हैं। सप्ताह में एक बार ये प्रयोग करने से बालों का गिरना बंद हो जाता है। नंबर 21, रात को सोते समय पैरों को साफ कर एड़ियों पर दूध, मलाई, मक्खन, नारियल का तेल या जैतून के तेल की मालिश करें। दूध, मलाई, मक्खन, नारियल या जैतून का तेल अच्छे किस्म के मॉइस्चराइजर हैं। ये एड़ियों की त्वचा को मुलायम बनाए रखते हैं और एड़ियां फटने की समस्या उत्पन्न नहीं होने देते। कैसी लगी वीडियो? सब बहुत काम की है टिप्स। हमारी वीडियो को वॉच करने का बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने और अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड लास्ट तक बने रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।